आपने गाने को एंजॉय किया? मैंने तो बहुत एंजॉय किया। हमारे ये जरा पूछते हैं गेस्ट से कि इनमें से किसी को क्या कोई गाने वगैरह का शौक है। मैं सुनने का तो शौक है। इन्होंने किसी फरमाइश की थी तो अभी हम भी इनसे फरमाइश करेंगे। आप से भी फरमाइश करेंगे। आप मुझे आप कोई गाना सोच लें। ताहिरा यास्मीन साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा ताहिरा ये बताइए कि इस ईद पे घर वाले क्या फरमाइश करते हैं कि क्या पका के खिलाओ? ज्यादातर मोस्टली तो आपको पता है बच्चे कहते हैं कलेजी पकाओ, भुना हुआ गोश्त और इन्हीं चीजों की फरमाइश करते हैं। सुबह मॉर्निंग में तो आपको पता है सारे नमाज वगैरह पढ़ के, ईद उल अज़हा की नमाज वगैरह पढ़ के, तो उसके बाद फिर आपको पता है ये शैया ये वो सारा कुछ है। मीठा बनता है इसी जी 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 बिल्कुल तो बनता है। क्या स्पेशल खाया जाता है? जी मीठे में ये सवैया जो दूध वाली होती है सारे लाइक करते हैं। तो उसके बाद फिर ये है कि थोड़ा सा टेबल में आगे पीछे भी दी जाती है थोड़ा सा। उसके बाद फिर बच्चे ये तैयार शार होते हैं, फिर इतने में गोश्त वगैरह आ जाता है। तो फिर तो मोस्टली मैं तो नौकरों को साथ ला के तो उसी को समेटा और शुरू कर दिया, संभालना शुरू कर दिया, आगे डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो मैं उसमें ये समझती हूँ क्योंकि वालदा होती है, मैं होती हूँ, तो सारे फिर नौकर चाकर भी साथ ही होते हैं। तो वो बस मोहल्ले में दिया, फैमिली रिश्तेदारों में भेजा, गाँव को आगे पीछे वो जितना भी होता है उसको डिवाइड करते हैं। वो एक मेला सा लगा होता है और दिल को अच्छा लगता है क्योंकि ये ऐसे मूवमेंट है। मैं भी आपको पता है बिजनेस वूमन हूं, मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं उसकी घर को दे सकूं। तो मुझे अच्छा लगता है सारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं और ऐसे मतलब इंसान एंजॉय भी करता है और साथ में काम छोटा छोटे। आप बताएं हमें कि आप बेगम से क्या खाने की फरमाइश करते हैं ईद पे स्पेशल, और बेगम के हाथ का क्या पसंद है आपको? देखिए मुझे बेसिकली भुना हुआ गोश्त ज़्यादा पसंद है, जो तवे के ऊपर छोटे छोटे पीस करके। तो मेरी ख्वाहिश यही होती है कि जो पहला दिन है ना उसमें उसको जितना एंजॉय किया सके हम उसको करते हैं। और क्या बेगम की हेल्प वगैरह करवाते हैं कुछ आप बनाने में या बस? नहीं मैंने कभी नहीं हेल्प करवाई इसे। कोई शौक नहीं है खाने तक तो ये होता है कि हमारा एक दिन हमारा हमारी छत के ऊपर हम एक बारबेक्यू पार्टी करते हैं जिसमें हम सब लोग मिलके उसको एंजॉय करते हैं। वो बड़ा उसमें सिर्फ जेंट्स पकाते हैं, जेंट्स कहते हैं हमें कुकिंग नहीं आती, लेकिन उस दिन ऐसे मसाले लगा के बारबेक्यू बस जो होती है उसको इंशाल्लाह कोशिश पूरी करते हैं कि उसको अच्छे तरीके से बना दें। तो वो कैसा खाना बनाते हैं बारबेक्यू जो बनाते हैं, खाने के काबिल होता है? अगर अचानक आपके घर में बात आ जाए? नहीं माशाल्लाह अच्छा होता है। हम जाएंगे, हम तो जाएंगे। कमर साहब से पूछते हैं, ये काफी खुश और अच्छा। कमर साहब मुझे ऑफ एयर बता रहे थे कि वो पब्लिक स्पीकर भी हैं और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बेसिकली जो हमारा फोकस है वो है सॉफ्ट स्किल्स। एक तो होती है टेक्निकल स्किल्स जैसे कोडिंग प्रोग्रामिंग हो गई, जैसे सिलाई करना, ये टेक्निकल स्किल्स हैं, ठीक है। फिर आ जाती है सॉफ्ट स्किल्स जिनको मैयर करना मुश्किल हो जाता है, जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने की स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, लोगों के सामने अपनी बात को बयान करने की स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, 10-15-20 लोगों की टीम को लीड करने की स्किल्स और उनको मैनेज करने की स्किल्स। सो हमारा चूंकि फोकस सॉफ्ट स्किल्स है तो मैं पिछले 10 साल से कॉर्पोरेट ट्रेनर और मैं फोकस मेरा सॉफ्ट स्किल्स। किस तरह आप इतनी यंग एज में फैमिली को और ये कॉर्पोरेट आप ट्रेनर भी हैं अपने काम को फैमिली देखें ये तो वैसे बात ही है, आपको कहता है यंग है, मैं मेरी उतनी एज नहीं है जितनी मैं लगती है, मैं इतना भी यंग नहीं हूँ। वैसे 10 साल पहले मैंने शुरू किया था ये काम तो जारी बात है तब लोग कहते थे कि भाई इतनी छोटी उम्र में कैसे ट्रेनिंग्स में आ गए। तो जारी बात है एक टाइम ऐसा था कि बड़े सीनियर लोग बैठे होते थे सामने, उनको ट्रेनिंग से नहीं होती थी, मुश्किल काम होता था जारी बात है कि कहाँ उनका 50-50 साल का तजर्बा और उतनी उम्र नहीं हमारी। तो लेकिन वक्त के साथ ज़ाहिर बात है हम खुद भी सीखते हैं। डेफिनेटली आप अगर पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस देते हैं तो आप खुद भी पब्लिक स्पीकर होंगे, तो आप किस तरह यूथ को गाइड करते हैं? आपको क्या लगता है यूथ पे कितना इफेक्ट होता है आपकी बातों का, या आपको देख करके जिस तरह आप किस तरह एक्सेल किया हुआ है आपने अपनी फील्ड में? देखिए पब्लिक स्पीकिंग की अगर बात करें ना तो वॉरेन बुफे ने कहा है कि अगर आप अपने करियर में कामयाब होना चाहते हैं उसमें 50% जो उसकी कामयाबी का जो राज है या जो उसका हाथ है वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर है। आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सीख जाएं तो अभी आप जिंदगी की जिस स्टेज में आप 50% उससे आगे चले जाएंगे, इतनी इंपॉर्टेंट ये स्किल है।
सर तनवीर साहब से भी कुछ पूछते हैं। तनवीर साहब आप हमें बताएं कि बेगम की तरफ से कितना प्रेशर होता है ससुराल जाने का ईद के दिन पे और ससुराल जाके दावतें अटेंड करने का? आपका ये सवाल सुन के उनकी शक्ल पे प्रेशर आ गया। माशाल्लाह जी बोले कुछ कहना। माशाल्लाह तनवीर साहब ने 3 शादियां की हुई माशाल्लाह, और उस वजह से उनके तो तीनों दिन ससुराल तो के साथ कैसा आपका टाइम? मेरा ख्याल में बाप का क्वेश्चन तो पीछे रह गया, अब और बहुत सारे क्वेश्चन उसने जन्म ले लिए। ठीक है कि अभी इसकी क्या तफसील बतानी है कि मैं ईद कहाँ कर रहा हूँ। वैसे हम ऊपर नीचे ही रहते हैं सारे के सारे, अल्लाह का बड़ा करम है। ठीक है, और प्रेशर तो जिनके साथ मैंने शादियाँ की हुई उन पे होगा। ठीक है, मुझ पे क्या प्रेशर होना है। ठीक है, तो इस ईद पर आपने कौन सा जानवर जो है उसकी कुर्बानी? जी जानवर ये बैल था और दो एक बकरे थे। अच्छा, यही होता है रूटीन में, क्योंकि मैं मेरा ही घर है जिसपे सारे बहन भाई इकट्ठे हो जाते हैं। वालदा मेरे साथ रहती हैं, दुआएं देती हैं, उन्हीं की वजह से ये सब कुछ चल भी रहा है। और क्या बेगमात से, मैं आप बेगम तो नहीं बेगमात कहूंगी, उनसे क्या खाने की फरमाइशें वगैरह करते हैं? किसके हाथ का आपको क्या पसंद है ज्यादा? बस तारीफ कर दें उनकी, वो भी खुश हो जाएंगे। प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ा अच्छा, वो उस तरफ कैमरा लगा है उसको देख के हाथ हिला दे। दीदी बड़ा अच्छा खाना पकाती है, तीनों बेगमात आपकी जी माशाल्लाह, सारी की सारी ही बड़ा अच्छा खाना पकाती है और बड़ा हम सारे इकट्ठे होते हैं। मैंने कहा ना सिर्फ बेगमात नहीं, मेरे भाई भी आ जाते हैं, सिस्टर्स भी आ जाते हैं, सारे लोग मेरे घर पे बैगे डाउन। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि माशाल्लाह से इतनी बड़ी फैमिली है और आप उन सबको साथ लेके चलते हैं। हाँ नहीं, ये कोई शुरू से आदत है। आजकल ये बड़ा इशू है कि लोग कहते हैं कि वक्त नहीं मिलता। आपने भी सुना होगा, हम लोग भी कह रहे थे कि वक्त, क्या आप समझते हैं कि क्या वक्त की कमी आ गई है, लोग मिलना नहीं चाहते? वक्त तो बहुत है अगर आप उसको निकालना चाहें, और जो आपके अपने हैं ना, आप तो जब तक आप अपने अपनों को साथ लेके चलेंगे आप देखिएगा कि आपका वक्त कितना अच्छा गुजरेगा, और वक्त निकालने से ही वक्त निकलता है। तो ईद की शॉपिंग के लिए आपने वक्त निकाला, और बच्चों की शॉपिंग वगैरह कौन करता है? ईद की शॉपिंग थोड़ी सी इस वक्त बड़ी ईद पे कोई इतनी टाइट नहीं होती जितनी छोटी ईद पे, लेकिन बच्चों की तो उसी तरह से, बच्चों की वो बस खुश रहे, मेरी बेगमात वो कर रही होती है। ठीक है, तो मुझे इतना प्रेशर नहीं होते इसके। अच्छा, हमारे मुल्क में जब भी किसी से बात हो तो यही टॉपिक होता है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। तो मैं मॉल में गई, शॉपिंग मॉल में गई, तो उधर इतना रश था, आप यकीन नहीं करेंगे, इतना रश था कि लगता था फ्री चीजें मिल रही है। मैम से पूछते हैं इन्होंने कब अपनी शॉपिंग कंप्लीट की है, और बड़ी इस बार आपने नए कपड़े खरीदे, कैसी रही शॉपिंग, कैसा जज्बा था? जी जी, मोस्टली तो आपको पता है गर्मी थी, गर्मी के वाले से कॉटन वगैरह ही खरीदे हैं, और बच्चे तो वैसे ही दिल नहीं करता कि आप बहुत ज्यादा फैंसी कपड़े पहने, लेकिन एक त्यौहार ऐसा होता है कि उसमें थोड़ा सा ये है कि अपने आप को वेल ड्रेस करना पड़ जाता है। लेकिन ये है कि हम लोग गए थे, बच्चों के साथ गई हूँ मैं, और बेटियाँ माशाल्लाह मेरी दो, बेटी मेरी एक डॉक्टर है और एक ने MBA किया हुआ है, और बेटे अभी पब्लिक में पढ़ते हैं, तो चारों बच्चों को साथ लेके गई, उनके फादर बाहर होते हैं, तो उनको शॉपिंग वगैरह कराई है, खुश है उन्हें अपनी मर्जी मर्जी से। वो आप क्या कर, तो आपको पता है कि बच्चे जो है वो अपनी मर्जी से शॉपिंग करते हैं, तो उससे पहले वो कह रहे थे मामा अपना ATM दे दें, आपके जाने की जरूरत नहीं है। सरप्राइज हुई इस बात से, मुझे कहते हैं मामा आपसे जस्ट हमें अपना ATM दे दें, आप तो बेशक बिजी हैं तो नो प्रॉब्लम। तो उनके साथ गई हूँ, ऐसा नहीं होता, तो शॉपिंग वगैरह की है माशाल्लाह, बच्चे ने। अबासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ईद पे क्या पहनना अच्छा लगता है, कैसा ड्रेस पहनने का दिल करता है? देखिए, ईद पे बेसिकली शलवार कमीज ही हम लोग उसी को लाइक करते हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह। और आप क्या डार्क कलर्स प्रेफर करते हैं? अभी कौन से मर्दों के ट्रेंड्स में चल रहे हैं कलर्स आजकल, कौन से ट्रेंडी कलर्स हैं? देखें, ये आपकी उसकी शख्सियत पे होता है कि आपको कौन सा कलर सूट करता है। बिल्कुल, तो मैं कोशिश करता हूँ डार्क कलर या ऐसे कुछ कलर हो जो बिल्कुल, हर कलर हर शख्सियत के लिए नहीं बना होता। हालांकि मार्केट्स में आप ऐसे जेंट्स के ऐसे ऐसे कलर्स आ गए कि मैं हैरान होती हूँ देख के, मर्द भी ऐसे कलर पहन सकते हैं। लेकिन ये है कि आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है, आप जो भी फैशन कर रहे हैं या आप जो भी कैरी कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से कैरी करें। कमर साहब आप क्या कहेंगे, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, हमारी यूथ के लिए आप क्या कहेंगे? देखें, यूथ के लिए, यूथ आजकल बहुत तेजी में है, तरक्की उस तरह से नहीं है लेकिन तेजी में बहुत है। जी बिल्कुल, ऐसे ही है, क्योंकि IT का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है,
वो सारी इंफॉर्मेशन हम हर दिन में कंज्यूम करते हैं, कंफ्यूजन का शिकार है हम, स्पेशली यूथ जो हैं। सो एक डायरेक्शन, एक फोकस, एक कंसंट्रेशन किसी एक चीज़ में नहीं हो पाती। सो और फ्यूचर का जो है वो प्लानिंग नहीं है, गोल सेटिंग नहीं है। सो जाहिर बात है जब ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होंगी, और जाहिर बात है न्यूज़ फीड की वजह से अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं रहता लोगों का, यूथ का स्पेशली। आते हैं बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां मेरे पास काउंसलिंग के लिए, तो मुझे ज़्यादातर यही चैलेंज नज़र आता है उनमें कि अटेंशन स्पैन बहुत कम है, फोकस नहीं हो पा रहा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रही, कन्फ्यूजन है, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है। फिर सारी बात है कुछ 5-10 और फिर सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी एप्स जिन्होंने हमारी यूथ को मसरूफ रखा हुआ है, टिकटॉक हो गई, स्नैक वीडियो हो गई, तो उसमें हमारी यूथ हंसी मसरूफ दिखाई देती है। बल्कि बहुत सारे लोग कहते हैं छोड़ो यार सारे काम, बस यही काम यही काम करते। ईद के हवाले से बताएं, जानवर लेने आप क्या खुद गए थे मंडी में या फिर? नहीं, मुझे शौक नहीं है मंडी में जाने का और जानवरों को उस तरह से देखने का, वो मेरे कजन्स हैं वो सारे जाते हैं तो मैं भी उनको कहता। अच्छा, बहुत सारे लोग तो वीडियोस भी बना रहे थे अपने जानवरों के साथ। जी जी बिल्कुल बनाते हैं लोग, और लेकिन मुझे इतना ज्यादा मंडी में जाने का शौक नहीं। सो साहब आप बताइए, आप टिकटॉक बनाते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल टिकटॉक से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इवन देखने का भी कोई खास ताल्लुक? अच्छा, देखते भी नहीं? देखता भी नहीं हूँ। मैं तो वैसे इसके सब खिलाफ हूँ इन चीज़ों के, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त का ज़िया है कि जो आजकल नॉर्मल आदमी बैठा होगा, बिल्कुल 5-6-8 आदमी बैठे हुए हैं ना, ये तो अभी प्रोग्राम हो रहा है ना, प्रोग्राम ना हो रहे सारे अपने अपने मोबाइल, खासतौर पर यार नजीब को लबासी साहब तशरीफ रखते हैं जिनका फोन अभी भी टोन 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 बोल रहा है। अच्छा, इनके साथ एक दिन मैं कहीं सफर पे चला गया, मैंने कहा बड़ी जरूरी बात करनी है, आप आए मेरे साथ बैठे, जहाँ तक हम पहुँचते कि इनका फोन ही ना बंद हो। अच्छा, वैसे मसरूफियत माशाल्लाह उनकी काफी है, और कारोबार में भी, और वैसे भी बड़ी आला शख्सियत है। तो बारह जो क्वेश्चन आपका था टिकटॉक और इन चीजों से, मेरा ख्याल में आज का बच्चा जो है उसकी नज़र कमज़ोर हो रही है, बड़ों की नज़र कमज़ोर हो रही है, बट इन चीज़ों को जब तक अवॉइड नहीं करेंगे, लोग कहते हैं नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ऐसे वक्त का से आई है, इसको थोड़ा सा। अच्छा, इस ऐप्स की वजह से हम अपने प्रेजेंट को भी एंजॉय नहीं कर सकते अभी, जैसे ईद का मोमेंट है। टाइम में क्या करते हैं, किस तरह अपना टाइम गुजारते हैं, आपको क्या पसंद है, क्या आपको लगता है कि मेरे पास स्पेयर टाइम बचता है इस सारे के बाद? इतने वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन स्टिल अपने लिए वक्त निकालना। ईद वाले दिन क्या करते हैं, कुर्बानी के बाद क्या करते हैं, ईद वाले दिन सोते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि कुर्बानी हमारा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सो जाते हैं ना उसके बाद। हमारा तो मरकजी घर है, वहाँ पे सारे बहन भाई आ जाते हैं, वालदा होती है, वो हमें तो शाम तक, और खास तौर पर इस कुर्बानी पे तो शाम तक गोश्त तबादना, गोश्त बांटना, ठीक है, जो कोई थोड़ा बहुत, हर बंदा यही कहता है मैं थोड़ा ही घर में लेके जाता हूँ, मैं तो सारा बांट देता हूँ, तो मैं भी जो थोड़ा सा घर में लेके जाता हूँ उसको भी संभलवाना पड़ता है, सामने से देखना पड़ता है। घर की खवातीन माशाल्लाह सारी की सारी इस काम में लगी रहती है। इसका तो जो हमारा फर्स्ट डे है वो तो शाम रात हो जाती है, 7-8-9 बज जाते हैं, फिर ज़ाहिर है जो गेस्ट आए हुए हैं खाना। तो तमीज़ साहब आज आप हमें गाना कौन सा सुना रहे हैं? आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, आप ही सुना दे, चले आप ही सुनाए हमें साथ में। मैं आपको बिल्कुल सुनाऊंगी, लेकिन साथ साथ हम अपने गेस्ट से भी आज गाना सुनेंगे। आज क्योंकि ईद का स्पेशल डे है तो हमारा दिल करता है कि हम कुछ मजे मजे की बातें करें और सबसे गाने सुने, क्योंकि एक दौर था जब लोग अपने शौक पूरे करते थे, तो इस ईद के जरिए हम फिर से वो आपके अंदर रिवाइव करते हैं, आपके शौक क्या क्या है, तो गाना अच्छा सा कोई सुनाए। नहीं, सीरियस गुफ्तगू सारे कर रहे हैं, तो चलो कोई अगर ना अच्छा गाया तो हंसेंगे तो जरूर ना, और कुछ ना हुआ तो आप मजबूरन हंसेंगे तो जरूर। नहीं नहीं, आप ये हिम्मत कर रहे हैं, बड़ी बात है, ठीक, हमने बड़ी बाकी भी हिम्मत की है। सीरियसली बताएं, मजा आए रियली, पाकिस्तान की मोहब्बत फ्रेश हो गई है, बिल्कुल मुश्किल होता है बिल्कुल, इससे फिर आगे वो थोड़ी सी करेज मिल जाती है, बस स्टार्ट करने की देर से उसके बाद आप लोग पकड़ाई थे। अच्छा, कमर साहब से पूछते हैं आप फिर हमारी आवाम को, हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे ईद से रिलेटेड, कि वो सफाई सफाई का ख्याल रखें या गरीब और मुस्तहिक अफराद का ख्याल रखें, आप प्लीज? जी बिल्कुल, ये तो बेसिक चीजें हैं। एक मैसेज जो मैं देना चाहूंगा बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये कि इट इज नॉट द माउंटेन अहेड दैट वियर्स अस आउट, इट इज नॉट द माउंटेन अहेड दैट वियर्स अस आउट, बट अ ग्रेन ऑफ सैंड
inside our own shoes that wears us out. जो हमें लगता है हमारे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है मुश्किलात का, वो हमारी जिंदगी में रुकावट नहीं है, लेकिन जो एक छोटा सा पत्थर हमारे पैर में फंसा हुआ है वो हमारी जिंदगी में रुकावट है। हमारी सोच में कहीं थोड़ी सी तब्दीली की जरूरत है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। बिल्कुल दरअसल सोच में तब्दीली की जरूरत है। नजीब सर, आप हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, ईद का मौका है तो मेरा तो यही पैगाम है जी कि इस खुशी के मौके में अपने साथ अपने उन लोगों को शामिल करें जो इसकी इस्तेदाद नहीं रखते, उनको अपने साथ शामिल करें। जो बंदा किसी दूसरे की खुशी में शामिल होता है या उसकी खुशियों के साथ उसकी खुशियों अपनी खुशियों को उसकी खुशियों में शामिल करता है तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात भी उसको हमेशा खुशी रखती है, उससे कभी नाराज़ नहीं। ज़बरदस्त जी। और ताहिरा यासमीन साहब, आप क्या पैगाम दे रहे हैं? मैं ये समझती हूँ कि जो दूसरों की खुशी का ख्याल रखता है तो अल्लाह ताला उसकी खुशी का ख्याल रखता है, और दूसरों का जो हक होता है वो आप पे ज़्यादा होता है, और इसलिए आप दूसरों को हमेशा जो है ना दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों को कभी तकलीफ ना दें, और जितना आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे और दूसरों के बारे में सोचेंगे अल्लाह ताला आपकी उतनी मदद करेगा, और मेरी कामयाबी का राज भी यही है। जबरदस्ती तमीर साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो आज के दिन के हिसाब से ये जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे जो आज के मौजूदा हुक्मरान हैं वो खुदा का वास्ता हमारा ख्याल रखें, बाकी तो सब चलता रहेगा, मगर अगर ये खिचड़ी इसी तरह बनती रही तो हमारा मुल्क किस तरफ पहुंच गया और कहां जा रहा है। आज के इस मौके के ऊपर मैं हुक्मरानों से, सारों से, जो अपोजिशन में हैं, जो हुकूमत में हैं, जो बाहर, जो हमारे तमाम सियासतदान हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं, उन सब से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा हम आवाम का भी ख्याल रखें। ठीक है, हमारे साथ अल्लाह तो ज़रूर है बट हमारा ख्याल भी रखें। ज़बरदस्ती, बहुत अच्छा पैगाम दिया। और आप देख रहे थे आज ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन टीवी टुडे के प्लेटफॉर्म से, मेरे साथ मौजूद शाहजीन, थैंक यू आपने ज्वाइन किया, और मैं आप सबको ये कहूँगी खुश रहें और अपनी खुशियों में दूसरों को याद रखें और माफ़ी का जज्बा जो है अपने अंदर उजागर रखें। अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई बात है तो उसको माफ़ कर दें, मुस्तहिक अफराद को भी याद रखें। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ईद जज्बा ही कुर्बानी का है, प्यार मोहब्बत बांटने का है। इसी अच्छी सी बात के साथ अपनी मेज़बान आया खान को और शाहजीन साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।